अगर आप सुनेंगे तो आपके पांव से जमीन निकल जाएगी। एक रियलिटी शो में इतना कुछ हुआ कि अवाम को दिखाया तक नहीं गया। बिग बॉस 17 से बाहर आने के बाद यूके राइडर अनुराग डोवाल ने सलमान खान के शो पर बहुत ही अफसोसनाक इल्जाम लगाए हैं। अनुराग ने कहा कि उन्हें बिग बॉस से निकाले जाने के बाद भी टीम ने इतना टॉर्चर किया कि उनके दिमाग में खुदकुशी तक के ख्याल आने लगे। बिग बॉस अपने फिनाले के नजदीक आ रहा है। ऐसे में से पहले ही फेमस यूट्यूबर अनुराग डोवाल को बिग बॉस से आउट कर दिया गया है। अनुराग को फैंस के वोटों की वजह से नहीं बल्कि घर वालों के वोटों की वजह से बाहर निकाला गया है। इसके बाद से ही अनुराग बिग बॉस के मेकर्स पर भड़के हुए हैं। अनुराग ने बिग बॉस से बाहर आने के बाद एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से उन्हें शो के अंदर और शो के बाहर टॉर्चर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उनके साथ जो घर के अंदर उनके साथ किया गया वो बाहर लोगों को दिखाया तक नहीं गया। अनुराग ने कहा कि बिग बॉस ने उससे ये तक कह दिया था कि उसके माँ बाप उसे कॉन्टेक्ट नहीं करना चाहते। अनुराग ने बताया कि वीकेंड के वार में उनसे वॉक ऑफ शेम भी करवाया गया लेकिन वो नहीं दिखाया गया। इतना ही नहीं, घर के अंदर उनसे उठक बैठक भी लगवाई गई। वो घर के अंदर बहुत डिप्रेस हो चुके थे। शो से निकलने के बाद उन्हें 2 दिन तक अपने माँ बाप से कॉन्टेक्ट नहीं करने दिया गया और तब होटल में उनके दिमाग में सुसाइड तक के ख्याल आने लगे। अनुराग से पहले कुछ और सेलिब्रिटीज भी इस शो पर इल्जाम लगा चुके हैं। प्रॉपर बार बार सेलिब्रिटीज की इमेज को खराब करने के बारे में इल्जाम लगते रहे हैं।